हेलो दोस्तों, नमस्कार। द अमेजिंग रेलवे स्टेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 12445 नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कोई भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए और जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिसे रेलवे से जुड़ी जो भी नई वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्दी आपके पास पहुँच सके। और अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं आप किसी फेवरेट ट्रेन का वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो से जुड़ी कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन दिल्ली से हरियाणा और पंजाब को होते हुए श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन जम्मू एंड कश्मीर तक चलती है। इस ट्रेन में एलएचबी रैक यूज होता है जो कि सेफ्टी और स्पीड के लिए बहुत ही बढ़िया कोच है। इस ट्रेन को नॉर्दर्न रेलवे जोन ऑपरेट करती है और ये संपर्क क्रांति टाइप का ट्रेन है। और इस ट्रेन का नई दिल्ली से कटरा तक जो दूरी है वो है 655 किलोमीटर का, और इस ट्रेन का मैक्सिमम परमिशबल स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर का और एवरेज स्पीड है 59 किलोमीटर पर आवर का। और इस ट्रेन का नई दिल्ली से कटरा तक जाने में टाइम लगता है 11 घंटे 5 मिनट का। रास्ते में इस ट्रेन का 9 स्टेशन पर हॉल्ट है, और इस ट्रेन में ऑनबोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग का सुविधा भी मौजूद है। तो चलिए आप इस ट्रेन के कोच पोजिशन और फेयर के बारे में जान लेते हैं। इस ट्रेन में एक फास्ट एसी, 2 सेकेंड एसी, 6 थर्ड एसी, 7 स्लीपर क्लास और 4 सेकेंड क्लास को शामिल है। और इस ट्रेन का नई दिल्ली से कटरा तक जाने में जो कॉस्ट है वो है फास्ट एसी का 2440 रुपीज, सेकेंड एसी का कॉस्ट है 1460 रुपीज और थर्ड एसी का कॉस्ट है 1040 रुपीज, जिसमें बेस फेयर चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, सुपर फास्ट चार्ज और जीएसटी चार्ज शामिल होता है। स्लीपर क्लास का कॉस्ट है 395 रुपीज, जिसमें बेस फेयर चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज और सुपर फास्ट चार्ज शामिल होता है, और सेकेंड क्लास का कॉस्ट है 215 रुपीज, जिसमें बेस फेयर चार्ज और सुपर फास्ट चार्ज शामिल होता है। तो चलिए इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में आप जान लेते हैं। ये ट्रेन दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हफ्ते में 7 दिन रात के 8:50 पे 15 नंबर प्लेटफॉर्म से छोड़ता है। और इस ट्रेन का जो पहला हॉल्ट है वह हरियाणा का पानीपत जंक्शन, यहाँ पर यह 9:53 पर आता है और 9:55 पे रवाना एक्सप्रेस का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद अंबाला कैंट जंक्शन, यहाँ पर यह रात के 11:30 पर आता है और 11:35 पे रवाना एक्सप्रेस का 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये ट्रेन हरियाणा छोड़ के पंजाब में एंटर होती है। एंटर होने के बाद इसका जो स्टेशन आता है वह लुधियाना जंक्शन, यहाँ पर ये 1:05 पर आता है और 1:15 पर रवाना एक्सप्रेस का 10 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद जलंधर कैंट जंक्शन, यहाँ पर ये रात के 2:03 पर आता है और 2:08 पर रवाना एक्सप्रेस का 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद पठानकोट कैंट, यहाँ पर ये सुबह के 4 आता है और 4:05 पर रवाना एक्सप्रेस का 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये ट्रेन पंजाब छोड़ के जम्मू एंड कश्मीर में एंटर होती है। एंटर होने के बाद जो स्टेशन आता है वह काथुआ, यहाँ पर ये 4:36 पर आता है और 4:38 पर रवाना एक्सप्रेस का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद जम्मू तवाई, यहाँ पर ये 5:55 पर आता है सुबह के और 6 रवाना एक्सप्रेस का 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद रामनगर जेके, यहाँ पर ये 6:56 पर आता है और 6:58 पर रवाना एक्सप्रेस का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद स्टेशन का सेकेंड लास्ट स्टॉपेज वही उधमपुर, यहाँ पर ये 7:11 पर आता है और 7:13 पर रवाना एक्सप्रेस का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद स्टेशन का डेस्टिनेशन वह श्री माता वैष्णो देवी कटरा, यहाँ पर ये सुबह के 7:55 पर अपनी यात्रा शुरू कर लेती है और 655 किलोमीटर का जो डिस्टेंस वो तय कर लेती है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।